और उनकी मार्कशीट इतनी बोरिंग है, इंग्लिश 100 में से 100, साइंस 100 में से 100, मैथ 100 में से 100, सोशल साइंस 150 में से 150, 100% पे टिका हुआ। लेकिन उनमें से किसी का सिलेक्शन ना यूपीएससी में हो रहा है, न किसी का सिलेक्शन जो है इन बड़ी कंपनियों में हो रहा है। क्यों? उन्होंने अपने पढ़े हुए पे कभी सोचने की फिक्र नहीं की। सही है? तो अपनी बात को समेटते हुए मैं आपसे एक आखिरी बात बताता हूं, बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा बच्चों जब आपका ईमान बचाने के लिए भी आपको दुनियावी तालीम लगेगी। क्या लगेगी? देखिए मैंने क्या कहा, आप सुने नहीं, आपने आज तक बचपन से ये सुना है कि ईमान बचाने के लिए दीनी तालीम लगेगी, यही सुना है ना? मैं आपको उल्टा बता दूं, बहुत जल्द एक ऐसा वक्त है कि आपको अगर अपना ईमान बचाना है तो भी आपको दुनियावी तालीम लगेगी। अगर वो लॉजिक और रीजनिंग जिसकी हम बात कर रहे थे आपके पास नहीं होगा तो आप फेल हो जाओगे, वहां ईमान भी नहीं बचा पाओगे। तो इमाम शाफई से एक बहुत अच्छा सवाल हुआ, मैं पहले आपसे करता हूं, देखता हूं आप क्या जवाब देंगे, फिर बताता हूं इमाम शाफई ने क्या जवाब दिया। पूछो, पहला सवाल, एक आया नास्तिक, नास्तिक समझते हो ना, उसने आगे कहा कि मैं अल्लाह में बिलीव नहीं करता। इमाम साहब क्या अल्लाह है? मैं आपसे पूछता हूँ क्या अल्लाह है? नहीं। उन्होंने कहा था बेशक है, आप भी कहो। दूसरा, क्या अल्लाह कादिर कुदरत है? क्या है? कादिर कुदरत है। क्या अल्लाह कादिर कुदरत है? क्या अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है? क्या अल्लाह दुनिया को सुई के गड्ढे में से गुजार सकता है? क्या सुई का गड्ढा बड़ा नहीं हो, दुनिया छोटी नहीं हो, तब भी गुजार सकता है? यहां तक तो सबका ईमान एकदम मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके आगे का सवाल था, अभी सुई के गड्ढे में से गुजार के दिखाओ। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अभी दुनिया को सुई के गड्ढे से गुजार के दिखा सकते हैं? अभी, अरे अभी बस फंस गए। उस नास्तिक ने कहा, क्या हुआ इमाम साहब, आप तो कह रहे थे अल्लाह कादिर कुदरत है, दुनिया में हर चीज पर कुदरत रखता है, सुई के गड्ढे से दुनिया को गुजार सकता है, मैं सुई लेकर आया हूं गुजार के। इमाम साहब ने कहा रुक जा, सुई निकाल, सुई निकाली, का उसे सामने पकड़ का पकड़ लिया, का सुई के गड्ढे को अपनी तरफ घुमा का घुमा लिया, का आप क्या करूं, का उसे करीब ले आया, का ले आया, का कितना करीब, का एकदम आंख के पास ले आया, आंख के पास ले आया, का दूसरे हाथ से अपनी एक आंख बंद कर, का बंद कर ली, का गड्ढे में से देख क्या दिखता है, का मुझे सूरज दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, मुझे पेड़ दिखते हैं, घर दिखते हैं, गांव दिखते हैं। इमाम साहब ने कहा क्या किसी का साइज छोटा है? का नहीं। क्या सुई का गड्ढा बड़ा है? का नहीं। का देखिए मेरा अल्लाह है, दुनिया की तमाम चीजों को सुई के गड्ढे से गुजार कर तेरी आंखों के पर्दे पे डाल दिया। क्या बात, ये लॉजिक, ये रीजनिंग अगर नहीं होगा तो आने वाले जमाने में आप अपना ईमान भी नहीं बचा पाओगे। एक ऐसा सवाल हुआ कि भाई अल्लाह पाक इतनी आजमाइश क्यों लेता है? सुना है हम पे जब दुख दर्द आता है तो क्या कहते हैं, अल्लाह पाक आजमाइश ले रहा है, अल्लाह पाक। तो सुनना बच्चों, इसी पर अपनी बात को खत्म करते हैं, मेरे पीछे पीछे दोहराना है, उससे जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा आएगा, पक्का। सुनना ध्यान से, हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। बोलो, मुश्किल भरा वक्त कैसे लोग पैदा करता है? मुश्किल भरा वक्त कैसे लोग पैदा करता है? हार्ड टाइम्स, मुश्किल भरा वक्त स्ट्रॉन्ग पीपल, मजबूत लोगों को पैदा करता है, पक्का। And strong people bring good times. Strong people, जो मजबूत लोग होते हैं वो अच्छा वक्त लाते हैं। Strong people bring good times.
एंड गुड टाइम्स क्रिएट वीक पीपल. गुड टाइम्स क्या क्रिएट करता है? एंड वीक पीपल ब्रिंग बैड टाइम. वीक पीपल ब्रिंग. जब सब कुछ अच्छा हो तो कोई नहीं पढ़ रहा. जब वालिद के पास बहुत पैसा हो तो कोई नहीं पढ़ रहा. जब घर में मुसीबतें हो तो हम मेहनत से पढ़ते हैं. हम स्ट्रांग बनते हैं. स्ट्रांग बनकर अपने आने वाली नस्लों को अच्छा वक्त देते हैं. और उन अच्छे वक्त में अगर हमने मकसूद भाई जैसी अपने परिवार की परवरिश नहीं की तो उस अच्छे वक्त में वीक लोग पैदा होते हैं और वीक लोग फिर खराब वक्त खींच कर आते हैं. पीछे 20 साल में हमसे कुछ गलतियां हुई. हम वीक पीपल बने, खराब वक्त खींच के लाया. लेकिन अब मशाल आपके हाथ में है. यू पीपल आर स्ट्रॉन्ग पीपल एंड यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम्स. आप मुश्किल भरे वक्त का सामना कर रहे हो. आप स्ट्रॉन्ग लोग हो. और अल्लाह से ये दुआ है एक दिन अल-कदीमिया के ये बच्चे जैसे बाहर निकलेंगे स्ट्रॉन्ग पीपल ब्रिंग बैक गुड टाइम्स, वो अच्छे वक्त को वापस लेकर आएंगे. इसी बात पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ.